हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा कॉलेज की तरफ से मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ पर एक पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आप लोगों को फॉर्म को किस टाइप से फिलअप करना है, या कि आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पर प्रॉब्लम ना हो, कौन कौन से बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप लोगों को मैं इसकी लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपने ये फॉर्म बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको अपने आप फोन से फिलअप कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें तो सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं। सबसे पहली बात है फोटो अपलोड हो रही है और सेकंड आपका सिग्नेचर। तो ये आप बेसिक जानकारी है जो आपने मोबाइल से भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने फोन पर टाइप करना है दोस्तों हेमवती नंदन बहुगुणा कॉलेज। आप टाइप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दो यूनिवर्सिटी दिखाएगा, एक तो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक आपकी यहाँ पर नॉर्मल जो कोर कोर्सेस कराती है वो यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मेडिकल भी दोस्तों टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर आप दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पर CHO या MLHP एंट्रेंस एग्जाम 2022। तो इसमें आपको थर्ड नंबर पर दोस्तों इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। मैं आपको क्लियर करके यहाँ पर शो अप करा देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा जिसमें कुछ आपको सामने डाटा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको आप सेकंड नंबर थर्ड नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इससे पहले आपको यहाँ पर वाउचर को यहाँ पर इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप वाउचर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मल जानकारी है उसको आप रीड कर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म को फिलअप है दोस्तों वो है 12 नवंबर 2022। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और बेहतर है आसान तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नेम फिलअप करना है, वही नेम फिलअप करेंगे जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में यहाँ पर मेंशन है, फादर नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर मदर नेम फिलअप करना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जेंडर आपको चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोग को बेसिक्स यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अपने आधार कार्ड और यहाँ पर आपके 10th के मार्कशीट दोनों में मैच होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, वरना काउंसलिंग के टाइम पर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना फोन नंबर आपको टाइप करना है जो भी आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर है। उसके बाद दस फाइनली यहाँ पर आपको अपने जीमेल आईडी टाइप करनी है। अब बहुत से बच्चों के कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर डिफरेंस रहता है दोस्तों, इसमें आपको मैं क्लियर कर दूँ। जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है या जो जहाँ पर अभी आप प्रेजेंट में रह रहे हैं उस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जो एड्रेस आपके स्थायी निवास में है और जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है वो मैरिज के बाद का यहाँ पर स्थायी निवास बना लें, और क्योंकि यहाँ पर स्थायी निवास आपके पास नहीं होगा तो आपको यहाँ पर क्लेम के टाइम पर यहाँ पर उत्तराखंड का नहीं माना जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो चीज आपको देखने को मिल रही है कि डोमिसाइल आपके पास यूके का है यानी कि उत्तराखंड का है या किसी अदर स्टेट का है, ये आपसे पूछ रहा है। इस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर यूके में यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर यूके में क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर डोमिसाइल नंबर यहाँ पर आपसे शो अप करेगा। तो आपको अपने डोमिसाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। यदि आपके पास अभी तक डोमिसाइल नहीं है तो 11 जो नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो अब तक आप अपना क्या कर रहे हैं, डोमिसाइल बना लें और यहाँ पर अपना डोमिसाइल नंबर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपसे कैटेगरी चूज करना है दोस्तों, तो अपनी कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद सब कैटेगरी आपको चूज करना है, यदि आप वुमेन है तो वुमेन चूज करिए, यदि आप एक्स सर्विस मैन है, PWD है, यदि ऑर्फन है, इसी प्रकार से यदि आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते तो आप नन में क्लिक करेंगे। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर में आपको यहाँ पर चूज करना है हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर और अल्मोड़ा। मैक्सिमम एग्जाम सेंटर की बात करें तो दोस्तों को कौन सा आपका हल्द्वानी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपको एग्जाम क्वालिफाई कैटेगरी, आपने आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, आसान तरीके से इसको ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप क्लिक करिए। फाइनली यहाँ पर जो फोटो की बात कर रहे हैं वो आपको फोटो चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको आप यहाँ पर सिग्नेचर और साइन में आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि फोटो का जो साइज है दोस्तों JPG में 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, और सेम जो सिग्नेचर की बात करें वो भी 10 से 100 KB है। बेहतर तरीके से आपने फोन से भी इस फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेयर वाले बॉक्स में क्लिक करना है, सेव एंड प्रीव्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। इसके बाद आपका डाटा दोबारा से यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैच होगा। आपको पूरे डाटा को यहाँ पर रिपीट चेक कर लेना है, यदि कोई भी मिस्टेक रहती है तो काउंसलिंग के टाइम पर आपको समस्या आएगी, आपका यहाँ पर रिजेक्शन हो सकता है, इसलिए सारी चीजों को आप यहाँ से समझिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या करिए, सबमिट एंड कंटिन्यू टू मेक पेमेंट। बहुत ही आसान फॉर्म है और इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और फिर 500 का यहाँ पर आपको पे आउट करना है। और पेमेंट की प्रोसेस कैसी है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू मेक पेमेंट में अगेन यहाँ पर पे नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जब आप पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चीज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो बेहतर तरीका है कि आप UPI एंड QR कोड पर क्लिक करें, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर पर कार्ड है, यदि आप ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो ATM कार्ड यूज करिए। गूगल पे, फोन पे आजकल मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप UPI QR कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शो QR कोड के बटन पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे।
जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मेंशन हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको क्या करना है दोस्तों, स्कैन करना है। फाइनली आप जैसे इसको स्कैन करेंगे आपकी 500 की पे आउट यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करके होम पेज पर आ जाना है। जैसे आप होम पेज पर आएंगे यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करिए। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आप टाइप करिए, अपने डेट ऑफ बर्थ टाइप करिए, लॉग इन करिए और यहाँ से अपना प्रिंट आउट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के आधार पर आपका सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद दोस्तों आपकी काउंसलिंग होगी। इन दोनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अभी किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है इसके बारे में कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा एग्जाम के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, मैं आपको तुरंत यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।